ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। ये क्लिप अभी रात का तकरीबन 3:30 बज रहे होंगे और 4 बजे एक ढोल वाला भी हमें उठाने आता है और उसका सीन सुनिए। इस सीन को ज़रा एक्सप्लेन करती चलूँ। वो इस तरह के 4 बजे ना डेली ये ढोल वाला आता था और सहरी पे उठाने आता था। सो बस ये सामने अपार्टमेंट में कोई थे जिन्होंने इसको मना किया कि अब नहीं आना नेक्स्ट टाइम। इनफैक्ट हम लोग सदियों से एक यही प्रैक्टिस चली आ रही है कि सहरी पे उठाया जाए। हालांकि हर घर में अलार्म मौजूद है और सोते कहाँ हैं, सहरी तक तो हर कोई तकरीबन तो जागते ही रहते हैं। बाकी हर तरह की नॉइस पोल्यूशन तो हमारे पास है ही, मगर रमज़ान में भी ये सहरी वाली जो है ना, कोई बुजुर्ग हो, सो रहा हो, कोई बीमार हो, कोई बच्चा हो, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए और इस तरह की नॉइस पोल्यूशन से बचना चाहिए। और आज हमारे पास सहरी में बन रहे हैं आलू के पराठे। अलविया को हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा हमें मज़ेदार से आलू के पराठे खिलाती रही है, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी बहुत मज़े के बने थे। प्लेन वाले जो पराठे ना, वो तो हमारे घर में मुश्किल से ही कोई साल में 2-3 दफ़ा बनते होंगे, मगर ये आलू वाले जो पराठे हैं ना, वो सबके मोस्ट फेवरेट हैं। महीने में एक दफ़ा तो ज़रूर बनते हैं। इस दफ़ा मेरे हस्बैंड देसी घी भी लाए थे रमज़ान से पहले, कि हम लोग तो नहीं यूज़ करते मगर बच्चों को तो यूज़ करने दो। सो मैं आज यही कर रही हूँ कि बस जैसे ही रोटी तैयार होती है ना बनके, तो बस ऊपर से मैं एक चम्मच उसके डाल रही हूँ थोड़ा सा अनहेल्दी से बचने के लिए। सहरी वाला जो टाइम है ना कुकिंग के हवाले से, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। बस मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझे बना के और सर्व कर दे, सामने रख दे मेरे, तो मैं खा लूँ। और मैं सोचती हूँ हमारे बचपन वाला टाइम और शादी से पहले वाला जो ज़माना था, कि सारे बहन भाई एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना सहरी किया करते थे और जो जो हम लोग बता देते थे कि ये चीज़ हमें खानी है, ये चीज़ खानी है, तो बस वो सुबह को हमारे टेबल पे होती थी। और बड़ी बहन इतना मुझ पर हंसती थी क्योंकि मैं क्या करती थी कि टमाटर की चटनी हम लोग लेते थे पराठे के साथ, और फिर मैं एक हाफ फ्राई खाती थी, एक एप्पल खाती थी और फिर दूध का ग्लास भी पीती थी। तो जी, ये किस्से थे मेरे बचपन के और शादी से पहले के। सो बस अब यहाँ पराठे रेडी हो चुके हैं और मैंने ना इनको एक पराठे के 4 पीसेस कर लिए थे ताकि आराम से खाए जाएं, वरना बहुत गर्म होता है। हम लोग 3 थे और 4 पराठे हमने बनाए थे, बस लास्ट में ये एक पीस बच गया है। और हमारे पास यही होता है कि जब लास्ट पीस बच जाए ना, तो फिर वो दूसरे के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे कोई खाए या ना खाए। बाकी सारे दिन की रूटीन तो सेम थी। और अब ये टाइम है इफ्तारी का और रोड्स भी देखें कितने सुनसान हैं। इस वक्त तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हुआ होगा। और आज ना मेरे भाई और उनकी फैमिली के साथ हमने मिलने का प्लान बनाया था और हमने ये डिसाइड किया था कि हम क्लिफ्टन वाले डॉलमेन मॉल में आएंगे और यहीं पे ना थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाएगी और गपशप हो जाएगी, मिल लेंगे। सो हम तो बग़ैर इफ्तारी के निकले थे। सो बस यहाँ पहुँचते ही हमने फ़ौरन से ये ऑर्डर किया और खाया। अभी वो लोग नहीं पहुँचे, उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तो बना लिया आपने? भाई का भी अभी फ़ोन आया कि बस 5 मिनट में ये लोग पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग जल्दी इसलिए निकले कि हमें पता नहीं था कि शहर की क्या सिचुएशन है और ऐसा ना हो कि हम लोग रश में कहीं फंस जाए। सो बेहतर है कि टाइमली पहुंच जाएं। और जी, फाइनली ये लोग पहुंच गए हैं, इनसे मिलिए। ये है मेरी प्यारी सी भाभी। हेलो बेका। हेलो। बहुत ही क्यूट सी दो बेटियाँ हैं इनकी। जीनिया से जब मैंने पूछा ना कि इसकी फेवरेट टीचर कौन सी है, तो उसने कहा ड्राइंग टीचर। ड्राइंग टीचर? तो मुझे अपनी ड्राइंग टीचर याद आ गई और वो इतनी स्ट्रिक्ट होती थी, खौफनाक डरावनी होती थी, कि हम लोग सब यही दुआ करते थे कि आज मिस ना आए, अल्लाह करे। और जी, ये जीनिया का है वैनिटी बॉक्स जो अपने साथ लाई है। बस फिर थोड़ी देर गपशप करने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा राउंड ले लेते हैं, कुछ कपड़े वगैरह देख लेते हैं। रोड्स तो खाली थे ही, मगर आज तो शॉपिंग मॉल भी खाली था और अभी तक लोग जमा नहीं हुए थे। सो बच्चों के बड़े मज़े आ रहे थे, ये लोग इधर उधर भाग रही थी। और यहाँ हम सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं कि सब अच्छा तैयार हो के आए, अच्छे लग रहे हैं। सो सबसे पहले अब हम जा रहे हैं खादी के आउटलेट पर और वहाँ देखते हैं कि किस तरह के कपड़े आए हुए हैं। 30% ऑफ यहाँ ज्वेलरी पर 30% ऑफ था। खादी पे तो हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसके बाद हम निशात पे गए तो वहाँ से एक सूट ले लिया। और अब यहाँ पे हम लोग हैं एथनिक पे और ये सूट देख रहे हैं
पूरिया को यहाँ ये बहुत पसंद आया है सूट, इसका स्पेशली कलर और इसका फैब्रिक, मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये साइज़ इस पर बिल्कुल भी, ये हालांकि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है मगर फिर भी इसे पूरा नहीं आ रहा और शोल्डर बिल्कुल नीचे की तरफ आए हुए हैं। सबसे अच्छे कपड़े कहाँ के लगे आपको? निशाद, खादी और क्या ट्राई किया हमने? एथनिक। पूरिया आपको कहाँ के पसंद आए? भाभी का और मुझे एथनिक ज़्यादा पसंद आया और जफ़ा खादी पे भी अच्छे कपड़े थे, मगर हूरिया को तो सभी पसंद आए और एक भी नहीं लिया है इसने अभी तक। भाई और भाभी दोनों यही कह रहे थे कि अब चलो और कहीं पे डिनर करते हैं, चल के बैठ के देसी सा खाना खाते हैं अच्छे से एनवायरनमेंट में। सो अब हम लोग सोच रहे हैं कि चला जाए क्योंकि काफ़ी थक गए हैं और पता है हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था ना वो भी पूरा नहीं खा सके थे, सो हमने वो पैक करा लिया था, पार्सल था। और अब हम लोग पहुंचे हैं पोर्ट बेसन पे, ये फ्रंटियर एक रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना ये लोग काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा खाना होता है। तो फिर ऑर्डर करने के हवाले से भी मैंने भाई से कहा कि जो आप लोग ट्राई कर चुके हो, जो जो चीज़ें आपको पसंद है ना अच्छी बनी होती हैं, तो फिर बस आज वही मंगा लें। और फिर बस ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर की और मिक्स सब्ज़ी ऑर्डर की और भाई ऑलरेडी इसकी तारीफ़ कर चुके थे मिक्स सब्ज़ी की कि बहुत अच्छी बनी हुई होती है। और इसमें ना ये लोग पनीर भी ऐड करते हैं, पनीर के कुछ जैसे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो भी ऐड करते हैं, बहुत मज़े की थी। और नान तो इनके बहुत ही डिलीशियस, क्रिस्पी और फ्रेश बिल्कुल नान थे। और इसके अलावा स्पैगेटी भी ऑर्डर की हमने। इतना मज़ेदार सा डिलीशियस खाना खाने के बाद भाई ने एक और ऑफ़र दी कि चलो तुम लोगों को एक पान खिलाता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, बोट बेसन पे ही है। मगर हम लोग वो नहीं ट्राई कर सके इस वजह से कि हूरिया को ना अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी थी ऑनलाइन 11:55 पे, सो हमें वहाँ पे टाइमली पहुँचना था घर पे। 3-4 घंटे हमने बहुत इंजॉय किया, साथ घूमे फिरे, खाया पिया, सो काफ़ी मज़ा आया। और जी ये थी तकरीबन मेरी फुल डे रूटीन सहरी से लेके अफ्तारी तक की। आप सब देखने वालों का एक दफ़ा दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को। सो बस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।